ड्रामा सीरियल बेरंग, जैसा कि मैंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि अफान और एनी तो शादी करेंगे, लेकिन इस सब का इल्जाम जाएगा एमल पर। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि आयमा और शहरियार की शादी हो, लेकिन फाखरा ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आप लोग देखोगे कि आने वाली एपिसोड में फाखरा यही करने वाली है। जैसा कि प्रीवियस एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा कि आयमा ने अफान को कॉल की है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी, मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। और आने वाली एपिसोड का स्टार्ट यहीं से होगा कि आयमा अफान और एनी की शादी के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाएगी, जिस पर आप लोग देखोगे कि पहले की तरह सब घर वाले एक जगह इकट्ठे होंगे। अब यहाँ पर दुर्दाना फाखरा से ये क्लेम करेगी, अब बताओ मैं अपनी बेटी का क्या करूँ, वो तो पागल हो चुकी है, वो तो अफान का ही नाम ले रही है। जिस पर आप लोग देखोगे कि फाखरा दुर्दाना से ये कहेगी संभालो उसे, मैं जल्द ही आयमा के लिए भी कोई फैसला करती हूँ। और ये सब कहने के साथ फाखरा ने ये भी कहा कि एनी ने जो किया है उसकी सजा तो मैं उसे देकर रहूंगी, और इसी के साथ साथ जिसने उसका साथ दिया है उसको भी। और ये कहते हुए उसने एमल की तरफ देखा है। आप लोग देखोगे कि एनी तो फाखरा की अब किसी भी धमकी से नहीं डरेगी, क्योंकि उसने अपने इस घर में जो कदम है वो बहुत मजबूत कर लिए हैं। एक तो वो इस घर में उनके वारिस की माँ है और दूसरा अफान की बीवी है। अब इसके बाद आप लोग देखोगे कि फाखरा एक तीर से करेगी दो शिकार, एक तो वो एमल से बदला लेगी और दूसरा आयमा का मसला भी सॉर्ट आउट करेगी। जिसके बाद आप लोग देखोगे कि फाखरा या तो पहले शहरियार से ये कहेगी कि मैंने तुम्हारी और आयमा की शादी करने का फैसला कर लिया है, या फिर पहले की तरह सबको इकट्ठा करके सबके सामने अपना ये फैसला सुनाएगी। जिसके बाद एमल की जो हालत होने वाली है वो देखकर आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ड्रामा की कहानी के स्टार्ट से आयमा पहले शहरियार को ही पसंद करती थी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।